नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट न्यूज़ है रोड एक्सीडेंट्स के कितने नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो, साइरस मिस्त्री जो कि टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, उनका कल देहांत हो गया क्योंकि वो जो इस कार में जा रहे थे गुजरात से मुंबई, तो उस टाइम पे उनकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से डेथ हो गई उनकी। तो इस वजह से ही अपने आप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या ट्रेंड है डेथ्स का। अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट की, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देखा जाए ना, तो लगभग ये मान के चलो 1.5 लाख डेथ्स होती है हर साल हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है। और उनमें से 1/3 की लगभग तो केवल और केवल नेशनल हाईवेज़ पे, ठीक है। अब इस डेटा का अगर देखें तो पिछले 5 सालों में रोड एक्सीडेंट के नंबर्स में तो कमी आई है। 2017 में जहाँ 4,45,703 एक्सीडेंट केसेस थे, वो 2021 में 4,03,116 हो गए। जबकि डेथ जो है एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट में तो कमी आई है बट एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स हैं वो बढ़ी है। 1.5 लाख की बजाय 1,55,000 हो गई है सेम पीरियड में, 2017 से 2021 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो 2020 का जो साल था जिसमें आपको पता है लॉकडाउन लगा था पेंडेमिक की वजह से, उस टाइम पर थोड़ी सी कमी आई थी। बाकी मोर और लेस 4.4 लाख के लगभग तो एक्सीडेंट और 1.5 लाख के लगभग डेथ्स, ये एवरेज बना हुआ है 2017 से 2021 के बीच में, ठीक है। सवाल ये आता है कि कारण क्या है इसके पीछे। देखो, मेन कारण तो ये है कि लापरवाही से ड्राइविंग करना, ओवर स्पीड पे ड्राइव करना, ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से या कोई भी व्हीकल चलाने की वजह से लगभग 87,000 डेथ्स होती हैं पर ईयर, ओके। और केयरलेस ड्राइविंग या डेंजरस ड्राइविंग, आप देखते हो कितनी रफ ड्राइविंग करते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से डेथ होती है लगभग 42,000, ओके। इसके अलावा देखा जाए तो टाइम पीरियड भी फिक्स है कि किस टाइम पर ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। अगर पूरे दिन में 24 घंटे की हम बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का पीरियड होता है ना, जिस टाइम पर दिखना विजिबिलिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उस टाइम पर एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मंथ वाइज देखा जाए तो जनवरी और दिसंबर में ज़्यादा केसेज आते हैं, क्योंकि इस टाइम पर भी आपको पता है नॉर्थ इंडिया में कितना ज़्यादा फॉगी एनवायरनमेंट हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है विजिबिलिटी में। सबसे ज़्यादा डेथ किसकी अगर हम व्हीकल वाइज देखें तो 2-व्हीलर व्हीकल्स की वजह से लगभग 44.5%, और कम अगर देखें तो बसेस की वजह से एक्सीडेंट 3% तक ही होते हैं डेथ्स, ओके। लार्ज इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2020-2021 में, और उसमें मेजरली कौन कौन से स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, ये सीक्वेंस है। तमिलनाडु में ज़्यादा डेथ्स हैं, फिर मध्य प्रदेश में, फिर यूपी में, ठीक है। तो ये डेथ और रोड एक्सीडेंट का क्या हमारे यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड चल रहा है वो देखा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नासा के आर्टेमिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आर्टेमिस मिशन। देखो, इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया है पर मुद्दा अभी जो क्या है, देखो जो टेक्निकल ग्लिचेस थे वो अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुए। सैटरडे को 2 घंटे की एक विंडो आई थी जिसमें लॉन्च किया जा सकता था, बट जो फ्यूलिंग की जा रही थी उसमें अभी भी लीकेजेस हैं, इस वजह से ये लॉन्च होल्ड पे डाल दिया है। अब देखने वाली बात है कि लॉन्च कब होगा। अब 11 मतलब ये बताया जा रहा है कि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में कभी भी लॉन्चिंग की जा सकती है, तब की तब देखेंगे। अब सवाल ये है कि ये लॉन्च विंडो होती क्या है। देखो, आपको ये तो हमेशा पता रहना चाहिए कि जब कभी भी लॉन्चिंग की जाती है स्पेस सैटेलाइट्स की या स्पेस शिप्स की, तो उनके पीछे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस देखने को मिलती है कि प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए है, प्रोजेक्ट का लैंडिंग कहाँ पर होनी है, क्या उसका ऑर्बिट होगा, किस सेलेस्टियल बॉडी को आप टारगेट करके कर लॉन्चिंग कर रहे हो, और टाइमिंग क्या है। टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि सुबह से शाम वाला टाइम नहीं देखेंगे, टाइम ये देखा जाएगा कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो उस टाइम पर अर्थ की पोजीशन क्या है, और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है कौन, मून। तो ये आर्टेमिस प्रोजेक्ट, आर्टेमिस मिशन है नासा का, जो ये न्यू मून रॉकेट है, ये जो जाना था ये इसीलिए होल्ड पे आ गया, मतलब इसीलिए ये विंडोज़ की हम बात कर रहे हैं कि जिस टाइम पर मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन के साथ में मैक्सिमम एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ में लॉन्चिंग करना पॉसिबल हो तभी लॉन्च किया जाता है। तो बेसिकली स्पेस मिशन मन में आए तब लॉन्च नहीं किया जा सकता है कि हाँ जी तैयार है लॉन्च कर दो, नहीं। इसमें आप देखा जाए तो स्पेस में हमें पता है कि कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, इवन अर्थ और मून दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने जो कहते हैं ना कि पेरेंट बॉडी है, जैसे अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है,
मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे में लॉन्चिंग के लिए एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करके चलना पड़ता है, जिसमें आप देखते हो कि हाँ डेस्टिनेशन जो है वो लॉन्चिंग पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, जिससे कि एक तो कम से कम एनर्जी कंजम्पशन हो और फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। जैसे अर्थ पे आप नॉर्मली देखें हम तो अर्थ इक्वेटर पे बल्जी है, थोड़ी बहुत उभार वाली है ना, और पोल्स पे थोड़ी चपटी है, इस तरीके का होता है। तो ऐसे में अर्थ का रोटेशन तो आपको पता ही है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो इस केस में आप इक्वेटर के आसपास में देखोगे जब कभी भी कोई बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करने की बात आती है ना, क्योंकि अर्थ की रोटेशन कैसी है, ये डायरेक्शन है। तो जैसे इस पे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्च करेंगे, तो ये जो अर्थ का मोमेंटम है ना, ये धक्का मार देता है, और जो स्पीड मिल जाती है और बढ़िया आराम से सैटेलाइट को आगे तक ले जाने में, ठीक है। तो वो मोमेंटम जो मिलता है ना, वो देखना पड़ता है, जिससे कि कम से कम एनर्जी कंजम्पशन में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव की जा सके, ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि स्पेस में क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है, और कितनी सेलेस्टियल बॉडीज है, हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँचाने का है। वो सारी चीज़ों में जब श्योरिटी आती है ना, तब जा करके डिसीजन लिया जाता है कि हाँ जी लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जो आर्टिमिस वन है ना, देखा जाए तो पिछले संडे की बात या फिर अभी जो सैटरडे गया है, कल परसों वाला, वो इनमें 2-2 घंटे की विंडो मिली है इसको कि हाँ भाई 2 घंटे के टाइम में हम कभी भी लॉन्च कर सकते थे। पर नॉर्मली अगर ये तो चलो क्या है, ये जो रॉकेट है ना यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, ये रॉकेट बहुत पावरफुल रॉकेट है। बताया जा रहा है कि अभी तक के जितने भी स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए या स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए जितने भी रॉकेट्स बने हैं ना, उनमें सबसे पावरफुल रॉकेट है ये अभी तक का, ठीक है। तो उस केस में इस रॉकेट की पावर की वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा विंडो मिल गया, हाँ जी 2 घंटे के पीरियड में कभी भी लॉन्च किया जा सकता था। पर नॉर्मल में देखा जाए ना, हल्के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें तो कुछ मिनट्स का टाइम होता है, उन कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही लॉन्च करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो फिर बाद में वेट करो उस कंडीशन के लिए, क्योंकि देखने वाली बात ये होती है ना। जैसे अभी अभी आर्टिमिस की बात करें, तो इसमें ये टारगेट था कि मून पे इसको, मून के ऑर्बिट में इसको लॉन्च करना था। अब उस मून के ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि अर्थ के साथ में, अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो उस केस में ये पोजीशन देखने की ज़रूरत है कि एक तो सैटेलाइट जब भी लॉन्च किया जाए, ठीक है, तो उसको सनलाइट टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस में मिलती रहे, क्योंकि सोलर पैनल है वही एनर्जी का सोर्स होता है उनके लिए, तो सनलाइट भी मिले। दूसरी चीज़, अर्थ और मून का जो रेवोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के फेवर में है, वो सारी देख करके फिर बाद में लॉन्चिंग की जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ जी तैयार है लॉन्च कर दो, ठीक है, यही होती है विंडो, ओके। इसके अलावा लॉन्च करते टाइम पे ये भी देखा जाता है कि मौसम कैसा है अर्थ सरफेस पे, हवाएं तेज तो नहीं चल रही है, ओके, वो सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई भी मिशन जब भी लॉन्च होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अभी मून में आप किस जगह पे उस मिशन को पॉइंट करना चाहते हो, क्या आपका टारगेट है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स और हाइड्रोजन हीलियम, इनके बारे में रिसर्च करने का ये काम है इस आर्टिमिस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें उसी हिसाब से देखने की बात है ना कि ऑब्जर्व तो कर पाए कम से कम जो भी आप भेज रहे हो सैटेलाइट या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे में लैंडिंग लोकेशन वो सारी चीज़ें देखने के बाद में डिसाइड होती है। इसके अलावा रॉकेट की बात करें, इस आर्टिमिस रॉकेट की, आर्टिमिस सैटेलाइट मिशन के अंडर में ये जो रॉकेट जा रही है, इसका नाम है स्पेस लॉन्च वेहीकल SLS। ये अभी तक का सबसे पावरफुल ये रॉकेट है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा इतना वो नहीं है, पर फिर भी ग्लिचेज आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम आ रही है, ओके। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जैसे हमारा चंद्रयान 2 भेजा था, वो उसमें एक पार्ट सक्सेसफुल, लैंडर जो था वो सक्सेसफुल नहीं आया, बाकी हाँ ऑर्बिटर है वो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, मून को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो चंद्रयान 2 के बारे में चलो डिटेल पढ़ लेना, अब आ ही गया अपने सामने। तो चंद्रयान मिशन जब हम भेजते हैं ना, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रॉकेट नहीं होता है हमारे पास में। तो उस केस में पहले तो अर्थ के चारों तरफ रोटेशन होता है उसका, फिर अर्थ के रोटेशन के बाद में मून के चारों तरफ रोटेशन होता है, और मून के तरफ चारों तरफ रोटेशन होने के बाद में मून के क्लोजेस्ट लोकेशन तक लाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें लग जाते हैं लगभग 10 से 12 दिन अगर रॉकेट मतलब एडिक्वेट पावर रखता है, और अगर बहुत ही पावरफुल है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेना स्पेस लॉन्च व्हीकल की SLS की, इसमें तो क्या है, लॉन्चिंग होगी, एक आधा चक्कर काटा और मून की ऑर्बिट में चली जाएगी, इस तरीके से रोटेशन शुरू कर देगी, ठीक है। ये इसका मूवमेंट यहाँ से होगा, यूँ मान लो कि यहाँ से फ्लोरिडा का कैनेडी लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से ये लॉन्च होगा, एक राउंड आधा मारा फिर निकल गया मून के ऑर्बिट में जाकर के, मून के चारों तरफ चक्कर काट लिया और मून के बिल्कुल क्लोजेस्ट एरिया में आ जाएगा,
फिर वहां पर चक्कर काट के फिर वापस अगेन इसी ऑर्बिट में आकर के और रिटर्न अर्थ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। वैसे ये डिस्कशन हमने अच्छे से कर लिया, आप देख लेना एक बार, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा मैं, और देख लिया आपने तो रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके देखो, सीधी सी बात, लॉन्चिंग की जाती है, ठीक है। और आप देखो अर्थ रोटेट कर, अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना सन के चारों तरफ, 1.1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। अब इतनी स्पीड को कैसे मैनेज करोगे, तो वो विंडो ही ढूंढनी पड़ती है कि हाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में कम से कम फ्यूल को कंज्यूम किया हम लॉन्च कर दें, ठीक है। फिर मून है, वो भी तो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब अगर मान लो अर्थ और मून दोनों का रेवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो सेम है, यहाँ सन है, यहाँ पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, और मून है वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, वो इस डायरेक्शन में, तो इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तब तो देखो चल जाएगा काम की कम से कम एनर्जी में आप लॉन्च कर दो। और वहीं पे अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन तो ये है और मून की रोटेशन की डायरेक्शन है उल्टी, तब आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने में। तो कुल मिलाकर के ये सारी पोजीशन देख करके विंडोज़ डिसाइड होती है, ये बात आ रही है मेन तो, ठीक है। और लॉन्चिंग पैड ज़्यादातर है ना जहाँ से हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो इक्वेटर के पास होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है और बल्जी होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो यहीं पर इक्वेटर के आसपास हमारा भी देख लो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है। नॉर्मली आपको पता है कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, इक्वेटर के पास में आ जाता है बहुत हद तक, तो वहाँ से लॉन्चिंग की जाती है। तो एक तो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट जो मोमेंटम होता है ना अर्थ का, उसका बेनिफिट मिल जाता है, धक्का मार देती है अर्थ और भी ज़्यादा स्पीड से, तो वो निकल जाते हैं फिर बाद में, एस्केप वेलोसिटी आराम से गेन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के जो सैटेलाइट पैड्स होते हैं, लॉन्चिंग पैड होते हैं, वो लॉन्चिंग साइट्स कहाँ पर लोकेटेड होती है, ईस्टर्न पोजीशन में। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर लोकेशन आ जाती है। अगर हम यूएसए की बात करें तो ये फ्लोरिडा, फ्लोरिडा वाला ये जो हम सेटेलाइट कैनेडी लॉन्चिंग साइट की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर लोकेटेड है अटलांटिक ओशन के। इससे क्या होता है कि एक तो अर्थ का मोमेंटम मिल गया ढंग से, दूसरा कि मान लो सैटेलाइट अगर लॉन्चिंग रॉकेट फेल हो गया तो वो मलबा है वो कहीं पे जाके गिरे तो कहाँ पे, ओशन में जाके गिरे। ऐसा ना हो अगर यहाँ पे होता ये सेटेलाइट लॉन्चिंग साइट तो वो क्या कर सकता था, मान लो फेल हो गया रॉकेट तो यहाँ पर किसी सिटी पे जाके गिर जाए तो कितना नुकसान कर सकता है वो। तो वो सारी चीज़ें भी देखने को कंसिडर करने की वाली बात होती है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं पॉपुलेशन एरिया के आसपास में अगर देखा जाए तो, ठीक है जी। थोड़ा अगर और नज़र डालें तो स्पेस मिशन में उसमें देखा जाता है हवाएं कैसी चल रही है, ह्यूमिडिटी क्या है, लाइटनिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पे धुआं तो नहीं हो रहा है। इवन आप फ्यूलिंग भी करते हो ना इंजन में, उस टाइम पर भी मौसम को ध्यान में रख करके फ्यूलिंग की जाती है। मान लो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, फ्यूलिंग आपने कर दी और मॉइस्चर कंटेंट है उस फ्यूल के साथ चला गया तो इंजन को माल फंक्शन करवा सकता है वो। तो वो सारी चीज़ें देख करके फिर बाद में विंडो डिसाइड होती है। कुल मिलाकर के ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल की अगर बात करें तो ये इस तरीके के रूम्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के चैम्बर्स होते हैं। और वहाँ पर यहाँ पे देखो ये एयर स्ट्रिप सारी दिखती रहती हैं और इनका काम क्या है, नाम से पता पड़ रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, ठीक है। तो ऐसे में अभी इंसिडेंट क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने एक FIR रजिस्टर की है, ठीक है, जिसमें देवगढ़ एयरपोर्ट पे बीजेपी के 2 MPs वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाकर के और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स पे प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप हमारी प्लेन को आप टेक ऑफ करने के लिए अप्रूवल दो, हमें क्लियरेंस दे दो क्योंकि हमें जाना है, ठीक है। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन हो गया क्या कि भैया इसमें क्या है, एयरपोर्ट अगर देखा जाए तो वहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है बहुत सोच समझ करके, नाइट टाइम ऑपरेशन, मौसम कैसा है, वो सारी चीज़ें देख करके फिर बाद में अप्रूवल दिया जाता है टेक ऑफ के लिए प्लेन के लिए। पर यहाँ पर वो बीजेपी के दो जो दोनों MPs थे, यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, एक का नाम तो है गोड्डा MP निशिकांत दुबे और एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली MP मनोज तिवारी, ये और इनके कुछ और फैमिली मेम्बर्स थे, इन्होंने मिलकर के और ATC रूम में एंटर कर दिया जो कि फिर बाद में सिक्योरिटी नॉर्म्स का वायलेशन था। और वैसे देखा जाए ना तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में हर कोई ऐसे एंटर नहीं हो सकता है, कौन एंटर हो सकता है, एक पर्सन जो कि पैसेंजर नहीं हो पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी उनके पास में एरोड्रोम एंट्री परमिट अवेलेबल है, तीसरी चीज़ उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से अप्रूवल लिया है तब जाकर के वो एयरपोर्ट सॉरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एंटर हो सकते हैं।
अच्छा, सिक्योरिटी एजेंसी कौन होती है? सिक्योरिटी एजेंसी अगर बड़े ये एयरपोर्ट है तो वहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा CISF से। और अगर छोटा एयरपोर्ट है जैसे देवगढ़ एयरपोर्ट का हम केस देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की पुलिस डिप्लॉयड थी, स्टेट पुलिस डिप्लॉयड थी, तो उनसे अप्रूवल लेना था। तो इस केस में ये जो ब्रीचिंग हुई है सिक्योरिटी की, इसी को लेकर के ये केस रजिस्टर किया गया है। फिर सवाल ये आता है कि एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम का काम क्या है? ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि भाई एयरपोर्ट पे आराम से अच्छे से लैंडिंग हो, टेक ऑफ करवाना हो, ट्रैफिक को मैनेज करना हो जिससे क्लैशेस ना हो। ये देखो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं रडार, सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए, और एयर ट्रैफिक जो भी है उसको ट्रैक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं रडार। रडार रडार का मतलब हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज़ करके, और फिर देखा जाता है कि हाँ जी कितनी डिस्टेंस है, किस तरीके से मैनेज करना है, कब लैंडिंग हो सकती है। इसके साथ में कम्युनिकेशन भी चलता रहता है पायलट के साथ में ओवर रेडियो, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के द्वारा ये कहा जाता है कि ATC सिस्टम जो है ना वो एयरक्राफ्ट्स में कॉलिजन को अवॉइड करवाता है। सीधी सी बात, भिड़ंत ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तब ट्रैफिक कंट्रोलिंग का ये तो मेन मैनेजमेंट का काम रहता है, ठीक है। ट्रैफिक जैसे रोड पे कंट्रोल होता है उसी तरीके से एयरपोर्ट पे कंट्रोल करना है, ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। देखो बेसिकली अब की बार देखा जाए ना तो इंडिया की तरफ से नॉमिनेट, मतलब इंडिया की तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग हो रही थी केरला के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, के शैलजा। उन्होंने जो कोविड के टाइम पे और निपा वायरस के टाइम पे जो परफॉर्मेंस दी है केरला की तरफ से, क्योंकि निपा वायरस भी वहीं पे आउटब्रेक हुआ था, कोविड-19 का भी आउटब्रेक हमारे यहाँ पे केरल में डिटेक्ट हुआ था सबसे पहले। तो इन चीज़ों को टैकल करने के हिसाब से केरला के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ पर अपॉइंट किया गया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है। अब ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन कर दिया कि जी जो अवार्ड मुझे देने की बात की जा रही है, ठीक है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है। तो बोले रेमोन मैग्सेसे ने कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की थी, बोले इसलिए हम उनके नाम का अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो कोल्ड वॉर पीरियड में आपको पता है डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दोनों के बीच में कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो उसी की लेगेसी है ये, ठीक है। साथ में अगर देखा जाए तो ये अवार्ड 1958 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड नाम से, और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। इसमें लीडरशिप और कम्युनिटेरियन कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एशिया में रहने, एशिया के लोगों के लिए किसी ने कोई अच्छा काम किया है इंसानियत के नाम पे और बहुत लंबे समय तक किया है तो उसको डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, पर वही बात है, इन्होंने मना कर दिया कम्युनिज्म का नाम लेकर के, ठीक है। इसके अलावा रेमोन मैग्सेसे की बात करें तो इनकी पूरी लाइफ बताई हुई है, एक बार आप खुद पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास है नहीं जो एग्ज़ाम में आया हमारे। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें, देखो 1957 में अगर देखा जाए तो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो सेटअप किया गया था इसके लिए एक पूरी कमेटी, और लीडर कौन रहे, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलीपींस गवर्नमेंट दोनों मिलकर के फिर अवार्ड देते हैं। और मैग्सेसे की जो लेगेसी थी वो क्या, लोगों की सहायता करना, अच्छी सरकारी व्यवस्था बनाए रखना, और प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल आदर्शवाद, ठीक है ना, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, उस पर काम करने वाले लोगों को रिकग्निशन मिलता है, अवार्ड दिया जाता है। 1958 से लेकर अभी तक देखिए लगभग 6 दशक हो गए, 300 के लगभग ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड दिया जा चुका है जिन्होंने एशिया में डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और ये अवार्ड कब दिया जाता है, हर साल की 31 अगस्त को रेमोन मैग्सेसे के बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन, ठीक है। इंडिया से किस किस को अवार्ड मिला है यहाँ पर ये नाम आप देख सकते हो, आपके सामने है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेज पे, देखो चाइना और जापान दोनों ने अपनी तरफ से एक तरीके से हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है अपने लोगों के लिए, क्योंकि इस साल का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है वो अभी पहुंचने वाला है इनकी कोस्टल एरियाज में। टाइफून का नाम है हिनामनोर, ठीक है, HINANAMNOR। मैं एक थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख लो अच्छे से ये रहा, ठीक है, टाइफून हिनामनोर। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं, अभी तक के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना इस साल के, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, कुल मिलाकर के एक बार देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखो इनको बहुत ज़्यादा वो मिलता है बूस्ट। खैर इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि आपकी जो 11th क्लास वाली बुक है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स,
ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उस बुक में आपको देखनी है साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में, कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में क्या क्या कंडीशंस हैं, सीधा क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, एक बार उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। ओके, हम एक बार देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके क्या क्या नाम है, रीजनल नेम्स है, वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो इस मैप में थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है, इसके अलावा मुझे और कोई ढंग का मैप मिला नहीं जिसमें इस चीज़ इन चीज़ों को हाईलाइट किया हो, राइट। ये थोड़ा सा ये करेक्शन तो कर ही लेना भाई, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई मैप मुझे मिला नहीं, ये पोर्शन जम्मू कश्मीर वाला जो कि अपना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हरिकेन इस वाले एरिया में बोला जाता है, अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक वाले एरिया में हरिकेन्स बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल दिया जाता है, और इसके अलावा ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, वन सेकेंड अगेन, इसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो क्या फिर इश्यूज आते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, राइट। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट, यहाँ पे हम जो बोल देते हैं साइक्लोन जो बोल दिया था, और ये है टाइफूंस, ठीक है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में डेवलप होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलप होते हैं उनको विली विली बोल दिया जाता है, तो ये नाम याद रख लेना भाई। ओके, इसके अलावा देखें तो चिली में अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोगों ने वोट करने की बात कह दी है, तो ऐसे में ये देख सकते हो ये बड़ी सी स्ट्रिप है ना ये कंट्री इधर वाला साउथ अमेरिका का, दिस इज चिली। ओके, डिस्कशन यहीं पे खत्म है, थैंक यू वेरी मच।